हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अर्निंग एंड ग्रोइंग। वेलकम टू एडुटरी फाइनेंस। नए साल में क्या पहला काम करने जा रहे हैं? बेसिकली लास्ट ईयर मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। बहुत सारे लोग चाहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते समय क्या क्या चीज देखना चाहिए, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो मैंने अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो और रिटर्न्स को देखकर कुछ म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई किए। पहला चीज मेरा क्या है कि मैंने इसको डाइवर्सिफाइड रखा है, फंड हाउसेस वाइज, कैटेगरी वाइज, सो दैट कि आपका रिस्क मिनिमम। मेरे लिए एक सैलरी क्लास पीपल के पैसे को सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ सेकेंड एस्पेक्ट, जो मैं अपने लिए करता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 100 रुपये 110 हो वो उससे अच्छा है कि 100 रुपये 90 ना हो, क्योंकि 90 को 110 करना बहुत मुश्किल है ना। तो मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के फंड लिए हैं। पहला कैटेगरी है लार्ज कैप। लार्ज कैप में जो मैंने फंड्स आइडेंटिफाई किए हैं वो केवल एक है, दैट इज एक्सिस फोकस्ड 25 फंड। एक्सिस फोकस्ड 25 फंड बहुत अच्छा फंड है, बहुत अच्छा पास रिकॉर्ड है, इसको आप देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू मिड कैप। मिड कैप में दो फंड लिए हैं मैंने, एक है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और दूसरा है निपोन ग्रोथ फंड। अच्छा पास रिकॉर्ड है, अच्छे डेटाबेस है, अच्छा पोर्टफोलियो है और फंड मैनेजर्स एक्सीलेंट। नेक्स्ट है फ्लेक्सी फंड। इसमें भी मैंने दो फंड लिए, एक का नाम है SBI फ्लेक्सी फंड और दूसरा है निपॉन आर्बिट्राज फंड। ये दोनों भी बहुत अच्छे पास्ट रिकॉर्ड के साथ फंड हैं। अगर आप इनके अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी पैरामीटर पर इवैल्यूएट कर लें, दे विल कम एंड डाउन। तो ये इनकी ब्यूटी है। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में जो फंड है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मैं खरीदता हूँ। अगर मैं गलत हो जाऊँगा तो हो सकता है आप भी गलत हो जाएंगे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो एकदम क्लियर डिस्क्लेमर है कि वॉट एवर इज विद मी आई एम रिकॉर्डिंग दैट ओनली। तो क्या मेरा इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? मेरा फंड की वैल्यू अच्छी हो ये मैं चाहता हूँ, तो आपकी भी हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है ESS फंड। अगर हमें टैक्स सेविंग करना है तो ये लार्ज कैप फंड, इसीलिए मैंने वहाँ पे केवल एक लार्ज कैप फंड लिया क्योंकि ESS फंड भी लार्ज कैप फंड में ही आते हैं, अच्छे फंड होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दो फंड बताता हूँ, एक है कैनरा रिबेको का ESS और दूसरा है एक्सिस का ESS। दोनों ही एक्सीलेंट फंड है, एक्सीलेंट पास रिकॉर्ड है, एक्सीलेंट रिटर्न है। फंड हाउस के बारे में कोई कुछ मतलब सोच भी नहीं सकता कि हाँ इसमें कुछ इफ बट हो सकता है। फंड मैनेजर्स आर एक्सीलेंट। नाउ देयर अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो, रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, यू इवैल्यूएट ऑन एनी पैरामीटर एंड यू विल सी द फंड्स कम्स एट टॉप। तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं या सम ऑफ योर फंड यू वॉन्टेड टू गेट इट थ्रू म्यूचुअल फंड, नॉट डायरेक्ट थ्रू इक्विटी। थैंक यू वेरी मच।